जान, मैं ये कह रहा था कि आज शाम को डिनर पर हमारी साली जी और साडू भाई तो आ रहे हैं ना? वो लोग आज नहीं आ रहे। सुनी, तुम्हें मैंने एक काम कहा था करने के लिए, तुम वो नहीं कर सकती। What is this यार? You know what? You're just useless. तुमने तो अभी से अपनी बीवी के सामने हथियार डाल दिए। एक इतना सा काम नहीं करा पाए तुम उससे। बात बिजनेस की हो या जिंदगी, जीतता वही है जो पहले हावी होता है। ऋषि, ये क्या कर रहे हैं आप? ये बहुत गलत बात है। नहीं, ये ठीक नहीं है ऋषि। हिम्मत कैसी हुई कि तुम मुझे लसिया? तुम होती कौन हो? मैं आपकी पत्नी हूँ ऋषि। पत्नी हो तो पत्नी बनकर रहो, यू गुड फॉर नथिंग वुमन। आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। हाउ डेयर यू टॉक। डोंट यू डेयर टॉक टू मी लाइक दैट। हिम्मत कैसी हुई कि तुम मुझे लसी? तुम होती कौन हो? मैं आपकी पत्नी हूँ ऋषि। पत्नी हो तो पत्नी बनकर रहो, यू गुड फॉर नथिंग वुमन। दिस वुमन इज गुड फॉर नथिंग। ऋषि, मैंने क्या किया है? ये लो, तुमने क्या किया? सब सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने, सब कुछ। मुझसे पूछिए क्या किया तुमने? सब तेरी गलती है। आज तेरी वजह से मेरा सारा काम बिगड़ गया। जिगर भाई, यस सर। हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट। I'm sorry. I'm really sorry. Please मुझे माफ कर दो। न जाने उस वक्त मुझे क्या हो गया था। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकता। सुमी, मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती है, मेरी गलती माफी लायक बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तुम मुझे जो सजा देना चाहती हो दे सकती, लेकिन प्लीज सुनो, मुझसे रूठो मत। I really love you। सुनी, मैं लाख बुरा से, लेकिन हूं तो तुम्हारा अपना ही। अगर फिर कभी नहीं, नहीं सुमी, फिर ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आई प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस। प्लीज मुझे माफ कर। माँ, देखिए मैं क्या लाया हूं। पहले प्रसाद ले। अब बता क्या कह रहा था। मैं इंपोर्टेड परफ्यूम लाया हूं।
आपकी बहू के लिए। अरे वाह, माँ राधिका को परफ्यूम्स का बहुत शौक है ना, तो मैंने सोचा कि पहली बार उसे तोहफे में परफ्यूम ही दूं। अच्छा, अब तो आप खुश है ना? अब तो मानती है ना कि आपका बेटा आपकी बहू का ख्याल रख रहा है? अब मानती हूँ। क्योंकि तूने उपहार चुनते वक्त मेरी बहू की पसंद का ख्याल रखा। जा, अब उसे ये उपहार चुपके से दिया। अरे वाह, आज सुबह सुबह माँ बेटे में क्या खिचड़ी पक रही भाई। मैं इसे कह रही थी कि सुबह सुबह प्रसाद खाने से पूरा दिन अच्छा बीतता है। हाँ वो तो है। अरे बाबूजी, आप भी लीजिए ना प्रसाद। कैसी तबीयत है आज सुबह? बिल्कुल ठीक। ये लीजिए। हाँ। और हाँ बाबूजी, आपको कुछ हिसाब दिखाना था। अच्छा अच्छा, लाओ। ये लीजिए। क्या है? क्या छुपा रहा है? दिखा तो। कुछ कुछ नहीं है माँ। बाबूजी कुछ नहीं है। अरे बताओ। बाबूजी ये तो बस वो। तस्वीर बनाने की आदत गई नहीं तुम्हारी है? अच्छी आदतें छोड़ने के लिए थोड़ी ना होती। कितनी प्यारी तस्वीर बनाई है तुमने विनय, राधिका की। तस्वीरें तो बचपन से ही अच्छी बनाता है ये। अरे पर ये क्या गड़बड़ कर दी पेटर बाबू? अरे भाई, जिस तरह कलम से इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाते हो, उसी कलम से जरा अच्छा खासा हिसाब लिखना भी तो सीखो। क्या क्या हुआ बाबूजी? देखो कितनी बड़ी गलती की है तुमने। देखो ये दो की जगह नौ लिखा हुआ है। ओ सॉरी सॉरी बाबूजी, मैं देखो विनय, मैं मत डांटो मेरे बेटे को। लो आ गई ना बीच में। पहले जब मैं मानिक को कुछ कहता था तो फौरन बीच में आके बोलती थी कि मेरे लल्ला जी को कुछ मत कहो। अभी अगर मैं अब इसको डांट रहा हूं तो फिर आ गई बीच में। आखिर कब तक? जब तक हूं तब तक आने दीजिए ना बीच में। मां स्नेह, अब मैं नाराज हो जाऊंगा तुमसे। और मैं भी। अरे मैं तो बस यूं ही। अच्छा बाबा मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। अब तो ये उदास चेहरे छोड़ दो और हंसो। हंसी है ना? भाभी, आपने आज का अखबार पढ़ा? हाँ, दालों के भाव बढ़ गए ना। मैं दालों के भाव की नहीं, उनकी रेसिपीज की बात कर रही हूँ। आज अखबार में कितनी अच्छी अच्छी रेसिपीज आई है, देखिए। हाँ लेकिन सजनी, तुम्हारे भैया तो टिफिन नहीं ले जाते ना ऑफिस। नहीं भाभी, मैंने उन्हें कितनी बार कहा है कि ऑफिस घर का खाना लेकर जाइए, पर नहीं, वो मेरी कहा सुनने वाले। मैंने उन्हें ये भी कहा कि मैं आपको बना के दूंगी, तो मुझे कहते कि तू मेरे लिए तकलीफ मत ले, मैं बाहर से कुछ भी खरीद के खा लूंगा। सजनी, दवाई आज ही खानी है मुझे। तू क्या पानी कुआं खोद कर ला रही है? हाँ माँ जी, लाई अभी। बापरे, क्या हुआ बेटा? एक ही फोन में तुम्हारे पसीने छूटने लगे। अब कुछ अंदाजा हुआ कि मेरी क्या हालत है? तुम एक मिनट भी गवाए बिना सीधा उस सूर्य कमल के पास जाओ और उससे रिक्वेस्ट करके अपना काम निकलवाओ।
ऑफिस चलता हूँ जी। सुनिए। हाँ जी। ये आपके लिए टिफिन। सॉरी जी, वो कह रहे हैं कि जब भी मैं नर्वस रहता हूँ तो ठीक देता हूँ, पता नहीं क्यों हुआ, लेकिन ये मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों की आपने? तकलीफ कैसी? अब तक रोज आपके ऑफिस जाने के बाद ही खाना पकाया करती थी, अब पहले ही पका दूंगी ताकि आप बाहर का नहीं घर का खाना खाएं। वैसे भी माँ कहती है रोज रोज बाहर का खाना खाने से सेहत बिगड़ जाती है। लीजिए। माँ कहती है। थैंक यू जी, थैंक यू। आप खाना खाकर बताइएगा कैसा लगा आपको। ठीक है, चलता। इन लेनदारों के तकादों ने रात की नींद और दिन का चैन हराम कर दिया है ऋषि। मैं देखता हूं। हेलो जी, वो क्या है ना कि डैड इस वक्त घर पर नहीं है, बताइए क्या काम है? जैसे कि आप जानते ही नहीं है। देखिए, कह दीजिएगा अपने डैड से कि हमारी चेतावनी को धमकी समझने की भूल ना करें, अगर ये मोहलत खत्म होने से पहले पूरा कर्जा नहीं चुकाया तो घर नीलाम करवा दूंगा। अंकल, आप हम पर भरोसा कीजिए प्लीज, एंड डोंट वरी। मैं क्यों वरी करूंगा? वो तो अब तुम्हें करनी चाहिए मिस्टर रायचंद जूनियर। जी अंकल। क्या हुआ बेटा, एक ही फोन में तुम्हारे पसीने छूटने लगे? अब कुछ अंदाजा हुआ कि मेरी क्या हालत है? इतने दिनों से मुझ पे क्या बीत रही? अब तुम एक मिनट भी गवाए बिना सीधा उस सूर्य कमल के पास जाओ और उससे रिक्वेस्ट करके अपना काम निकलवाओ। इस सुमी के चक्कर में पड़े रहे तो बहुत देर हो जाएगी। यू आर राइट, मैं अभी निकलता हूँ। वैसे भी खाली बैठा होगा वो ऑफिस में, कोई इतना बड़ा ओहदा तो है नहीं उसका कि साहब बिजी होंगे, मेरे काम के लिए इतना तो टाइम निकाल ही सकते हैं। आपके माल की डिलीवरी 30 दिनों में हो जाएगी। दरअसल क्या होता है, माल आता है जरा बनारस। विनय बेटा, इनका ऑर्डर लिख लिया गया? विनय, अरे भाई विनय, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? तुमसे पूछ रहा हूं मैं, ऑर्डर लिख लिया? जी, दिखाओ जरा। अरे दिखा भाई, इतना झिझक क्यों रहा है? एक बात बता बेटा, और सच्ची बोलियो, मैं बात करता हुआ ऐसा दिखता हूं? अरे कम से कम तस्वीर में तो मेरा पेट अंदर कर देते। सॉरी चाचा जी, आप वो मेरे को ऑर्डर एक बार फिर से लिखा दीजिए ना, आपकी गलती नहीं होगी। हाँ लिख। ये क्या आपके लिए?
सूर्य कमल साहब ने कहा है आज ये काम निपटा कर ही घर जाना। जी। अरे वाह, आज तो घरवाली ने घर का खाना साथ बांध कर दिया है। जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, घर से तो सभी खाना लाते हैं ना। ये आप मुझे दीजिए, मैं कर लूंगा। राधे राधे। ओ यार सूर्य कमल। जी खाना साहब बोलिए। मैं अपने वास्ते छोले भटूरे मंगवा रहा हूँ, तेरे वास्ते भी मंगा लो, दोनों साथ मिलके खाएंगे। नहीं जी, आज तो मैं अकेले ही खाऊंगा। मेरा मतलब है कि आज मेरे पास में काम बहुत ज्यादा है ना, तो आप खा लीजिए। जी मेरी प्रीति जी ने अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाया है, किसी और के साथ ना मैं क्यों बांटूं। वैद्य साहब, आपसे थोड़ा सा जरूरी काम था। रायचंद जी को तो आप जानते हैं, अगर आप उनका लोन जल्द से जल्द पास कर दें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। भाभी, अम्मा नहीं तो खाने का मजा ही कुछ और है ना। तुम भी ना सजनी। अच्छा सजनी, अभी तक तो तुम्हारे भैया खाना खा चुके होंगे ना। हाँ। भाभी। हे भगवान, ये तो फीका है, हड़बड़ी में मैं तो नमक डालना ही भूल गई। कोई बात नहीं, अभी डाल देते हैं। सब यही मंडरा रहे हैं, ऐसे में अकेले कैसे खाना खाऊं। चलो सूर्य कमल जी, ये आपसे। जी। अरे राधे राधे, क्या बात है, मेरे साड़ू भाई आज मेरे ऑफिस में। इनके लिए पानी लाइए। अभी लाए। बैठिए ना। नहीं नहीं, आज यहाँ कैसे। माफ कीजिएगा, आप घर के हैं इसलिए अपना समझकर बिना आपको बताए आपके ऑफिस चला है। अरे कैसी बात कर रहे हैं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वो बात यह है कि अरे मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात होगी अगर मैं आपकी मदद कर पाऊं। और वैसे भी वैद्य साहब ने कहा था कि जब भी उनकी जरूरत पड़े बेझिझक उनके पास में आ जाऊं, तो आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो गया। हम एक काम करते हैं, हम अभी चलते हैं। जी चलिए चलिए। एक चलिए आइए। पहले बताइए आप क्या लेंगे, चाय कॉफी ठंडा। अरे नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे कुछ तो। नहीं नहीं नहीं, वो क्या है ना, आज ऑफिस में थोड़ा काम ज्यादा है इसीलिए मैं लंच टाइम में आपसे मिलने आ गया, आपसे थोड़ा सा जरूरी काम था। वैद्य साहब, रायचंद जी को तो आप जानते ही हैं, मेरे रिश्तेदार हैं वो।
उनका लोन आपके पास में आया था पास होने के लिए, है ना? हाँ, आया तो है। मुझे उसके बारे में आपसे प्रार्थना करनी थी। अगर आप उनका लोन जल्द से जल्द पास कर दें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। देखिए सूर्य कमल जी, रायचंद जी का लोन पास करने के लिए बैंक को जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो कुछ ठीक नहीं है, और आप तो जानते हैं कि ये बैंक का पैसा है। अगर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी ना हो तो इतना बड़ा लोन मैं कैसे पास कर सकता हूँ? सही बात है जी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस बूते पर इतना बड़ा लोन मांग रहे हैं। इनकी कोठी तो पहले से ही गिरवी पड़ी है जी। जी हाँ, यही सच्चाई है। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं तो सिर्फ आपकी खातिर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। सूर्य कमल जी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि अगर मैं आपके किसी भी काम आ सकूं तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा। वैद्य साहब, ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कभी ऐसा कोई काम नहीं करवाऊंगा जो जो गलत हो, अनैतिक हो, या आपकी प्रतिष्ठा को कलंकित करता हो। आप वही करें जो सही हो, जो जो आपके बैंक के नियम के अनुसार हो। मैं बस यही चाहूंगा, सब ठीक तरह से होना चाहिए, तो आप वही करिएगा। थैंक यू वेरी मच सूर्य कमल जी। चलो माना कि सूर्य कमल भैया को बैंगन पसंद है, पर फिर भी उन्हें आपकी पसंद का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। अब तो रसोई घर में प्रीति भाभी का राज है। आज तक तो बस रसोई घर में अपना कब्जा जमाया है। ऐसा ना हो कि धीरे धीरे करके पूरे पे ही उनका राज।